हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात की कि फोर्सेस के टाइप कितने होते हैं। हमने कॉन्टैक्ट फोर्स देखा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखा, सूडो फोर्स देखा। जो हमारा आज का लेक्चर है उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन को, ठीक है ना। लॉज ऑफ मोशन आप लोग इनसे फेमिलियर हो, आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे लॉज ऑफ मोशन। आपने पढ़ा होगा कि तीन जो है न्यूटन्स के लॉज हैं जो लॉज ऑफ मोशन कहलाते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है ना। बेसिकली जो हमारी, अगर मैं बात करूं हमारी फिजिक्स की, और फिजिक्स में अगर मैं बात करूं क्लासिकल फिजिक्स की, तो जो क्लासिकल फिजिक्स है हमारी वो सारी की सारी न्यूटन्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड है ये सारी। हम देखते हैं, चलिए न्यूटन से आज हम बात करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, इसको एक बार समझते हैं, डेफिनेशन बाद में देखेंगे। अब आप एक थॉट एक्सपेरिमेंट कीजिए। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हमेशा यहीं रखा रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये ऑब्जेक्ट, क्या अपने आप मोशन कर सकता है? आप कहेंगे नहीं कर सकता। तो ये अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो ये हमेशा किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा। अब मान लो ये जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल आपका, ये सुपर स्मूद है। सुपर स्मूद से मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि उसके ऊपर जो फ्रिक्शन है वो नेग्लेजिबल है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, नेग्लेजिबल, जीरो फ्रिक्शन ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। कोई प्लेन ऐसा नहीं है जिस पे फ्रिक्शन जीरो, पर फिर भी हम अपने थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए मान लेते हैं कि ये सुपर स्मूद है और इसका जो फ्रिक्शन है वो नेग्लेजिबल है। आपने क्या किया, इस प्लेन को सॉरी इस बॉल को इस डायरेक्शन में एक मोशन दे दिया। अब ये बॉल किस में रहना चाहिए? अब ये बॉल हमेशा ही किस में रहना चाहेगी, मोशन में रहना चाहेगी। यही आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जो क्या कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे रहना चाहेगी, और अगर एक बॉडी मोशन में है तो ये मोशन में रहना चाहेगी उसी स्ट्रेट लाइन के साथ जिसमें ये मोशन में है, अनटिल जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या करते हैं, अप्लाई नहीं करते। तो अगर ये बॉडी मेरी रेस्ट पे थी, रेस्ट पे रहेगी, मोशन में थी, मोशन में रहेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। अब सोचो आपको अगर ये बॉडी रेस्ट से मोशन में लेकर जानी पड़ेगी तो आपको यहाँ पर एक क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये बॉडी रेस्ट से मोशन, अदरवाइज ये रेस्ट पर ही रहेगी, ठीक है ना। ओके चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम अब यहाँ से एक डेफिनेशन निकल करके आ गई अपनी इस थॉट एक्सपेरिमेंट से, क्या निकल करके आ गई कि इनर्शिया क्या है। अब देखो, अब हमने अभी अभी क्या देखा कि ये बॉडी है हमारी रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो ये किस में रहेगी, मोशन में रहेगी। यानी कि ये बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, ये अपने आप, इसके पास ऐसी कैपेसिटी है नहीं कि ये अपने आप अपने स्टेट को चेंज कर ले, इनएबिलिटी, ठीक है ना। अब इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल सुबह सुबह देखने को मिलता है, हालांकि आप उसे इनर्शिया से कोरिलेट कर सकते हैं पर रियलिटी में वो इनर्शिया नहीं है, बस एक रिलेशन बनाने के लिए आप सोच सकते हैं। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे 5:30 बजे मतलब सबको बड़ी अच्छी नींद आती है, और सोचो तुम्हें अगर उस वक्त कोई उठाना चाहे तो तुम उठोगे ही नहीं, स्टेट ऑफ रेस्ट है। अब मम्मी तुम्हें कब उठा पाएगी, जब मम्मी आए और तुम्हारी गाल पे खींच के थप्पड़ देगी, खड़ा हो नालायक, तब जा कर के आप उठेंगे। इसका मतलब है जब एक्सटर्नल फोर्स आप पे लगा है तब आपकी ये जो स्टेट ऑफ रेस्ट है ये चेंज हुई है, अदरवाइज़ आपकी बॉडी के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो इस स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सके, आपकी बॉडी की इनएबिलिटी है, दिस इज़ इनर्शिया, ठीक है ना। कोरिलेट कर सकते हैं पर रियलिटी में नहीं है। थप्पड़ लगना एक दूसरा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, अभी आगे पढ़ेंगे हम। देखिए अब इनर्शिया क्या कहता है, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। यानी कि ये किसी भी बॉडी की इनएबिलिटी है खुद की ही स्टेट या रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज करने की, ठीक है ना। कोई भी बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, यानी कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी, और बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी। इस इनएबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ये जो हमारा इनर्शिया है ये हमारे पास तीन तरह का होता है।
इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलो आगे हम देख लेते हैं एक बार आगे, यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो ये जो हमारे पास में इनर्शिया है ये तीन तरह का, देखो सबसे पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसके बाद है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और उसके बाद क्या है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, रेस्ट, उसके बाद इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड देन इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये तीन तरह का इनर्शिया आपके पास अवेलेबल है। अब देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है, इन एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाई इट्सेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि किसी भी बॉडी की इन एबिलिटी जो अपने आप उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सके। इसका मतलब है बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो अपने आप मूव करना स्टार्ट नहीं करेगी, वो रेस्ट पे ही रहना चाहिए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, इन एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाई इट्सेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि अगर कोई बॉडी है मान लीजिए जैसे ये बॉडी थी ये स्ट्रेट लाइन में अगर जा रही है तो ये हमेशा कहाँ जाना चाहेगी, स्ट्रेट लाइन में सीधा ही जाना चाहेगी जब तक कि हम इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाएं। अब देखो, अब एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों ने कभी ना कभी फील भी किया होगा, क्या है आपके पास में, ये है एक बस और ये एक शार्प टर्न है। जैसे ये बस यहाँ पर टर्न करेगी, आप अगर इसके अंदर बैठे हुए हो तो बताओ आप किस तरफ जाओगे, आप कहोगे कि सर अगर बस का टर्न इधर हो रहा है तो हम इधर जाएंगे, दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप इधर क्यों जाएंगे, क्योंकि बस जा रही थी स्ट्रेट, तो आपकी बॉडी की टेंडेंसी है कि हम तो सीधा जाएं, आपकी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगा, पर सडनली बस ने क्या कर लिया, टर्न कर लिया, तो बस के ऊपर तो फोर्स लगा, बस की तो जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो गई, उसकी डायरेक्शन बदल गई, पर क्योंकि आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा था तो आप इसी सीधे डायरेक्शन में जाना चाहोगे। तो जब आप बस के रेफरेंस से देखोगे तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए आप अपने आप को क्या करोगे, फील करोगे, दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट आपके पास में आता है इनर्शिया ऑफ मोशन, किसी भी बॉडी का चेंज करना इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि इसका भी इसी तरह से आप एक एग्जांपल और ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास में एक बस है, ठीक है ना, अब ये बस यहाँ रेस्ट पे है, आप यहाँ खड़े हुए हो, सडनली बस को एकदम से आगे की तरफ एक्सलरेट कर दिया गया। अब आप सोचिए जैसे ही आप एक्सलरेट करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, बस एकदम से अगर आगे जाएगी तो आप कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में थी, रेस्ट में रहना चाहेगी, पर बस सडनली एक्सलरेट हो गई तो आपकी बॉडी इनर्शिया की वजह से कहाँ चलेगी, पीछे चलेगी। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन समझने के लिए। देखो अब बस मोशन में है, इनर्शिया ऑफ मोशन, अब बस ऑलरेडी मोशन में है और सडनली ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक अप्लाई कर दी, ब्रेक अप्लाई करते रिटार्डेशन हो गया। अब बस मोशन में है तो आपकी बॉडी भी बस के साथ कहाँ थी, मोशन में थी, ऐसे जा रही थी, जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किए अब आपकी बॉडी आगे जाना चाहती है पर बस रुक गई, तो आप कहाँ जाएंगे, आगे की तरफ गिर जाते हैं, किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, कि बस तो आ गई रेस्ट में पर आपकी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो आपकी बॉडी कहाँ जाना चाहिए, हमेशा मोशन में, तो आप आगे की तरफ, आपको झटका लगता है, आप आगे की तरफ गिर जाते हैं। अब इसको अगर और डिटेल में एक्सप्लेन करना हो तो कुछ ऐसे देखिए, बस में आपके फिट जो है बस के सरफेस से अटैच्ड नहीं रहे, आपके फिट और बस का सरफेस तो एक सिंगल बॉडी की तरह एक्ट करेगा और आपका जो अपर सेक्शन है बॉडी का वो एक क्या होगा, डिफरेंट बॉडी की तरह एक्ट करेगा। अब जैसे ही बस में ब्रेक लगाए बस का ये सरफेस रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आती है आपके फिट भी कहाँ चले जाएंगे, रेस्ट पे चले जाएंगे, क्योंकि ये बस के सरफेस के साथ एक सिंगल बॉडी की तरह एक्ट करेगा। पर जो आपकी बॉडी का ये अपर सेक्शन है, ठीक है ना, ये सेक्शन कहाँ जाएगा, ये सेक्शन आपका मोशन में रहना चाहेगा आगे की तरफ, इसलिए आपको आगे की तरफ एक फोर्स फील होता है और आप आगे की तरफ गिर जाते हैं, ठीक है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो देखिए जो इनर्शिया है, इनएबिलिटी है, तीन तरह का होता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन में रहना चाहेगी बॉडी, और तीसरा क्या है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी। रेस्ट का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि अगर बस आपके पास में खड़ी हुई है और सडनली आगे की तरफ एक्सेलरेट हो जाए तो आप पीछे जा करके गिरते हो, दैट इज इनर्शिया एट रेस्ट। मोशन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, बस टर्न कर जाए, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और मोशन में बस मोशन में ब्रेक अप्लाई हो जाए, आप आगे जा करके गिरते हो, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो बेटा ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, आज के लिए सिर्फ हम इतना ही देखेंगे, कल हम न्यूटन सेकंड लॉ देखेंगे और थर्ड लॉ भी देखेंगे साथ में, फिर हम इनके एप्लीकेशंस देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।